दीजिएगा। थैंक यू दोस्त। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू कन्वर्ट न्यूमेरिक टू वॉट, कैसे न्यूमेरिक को वॉट में बदला जाए इन एक्सेल, एक्सेल में। तो फ्रेंड्स, एक्सेल तो सभी ने जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन सबको नहीं पता ये न्यूमेरिक को वर्ड में कैसे बदला जाए। तो चलिए आज दिखाते हैं न्यूमेरिक को कैसे वर्ड में बदला जाए। तो चलते हैं पहले डेस्कटॉप में एक न्यू फोल्डर खोल लेता हूँ, इसको नाम देता हूँ एक्सेल, इसको ओपन किया जाए। चलिए तो एक एक्सेल का न्यू टैब भी यूज़ करता हूँ, नया शीट। चलिए दोस्तों, तो शीट ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिक डाल देते हैं, 2 3 2 2 5 4 तो चलिए इसको पहले जोड़ते हैं, इज इक्वल टू प्लस प्लस सिलेक्ट एंटर। चलिए देखिए तीनों जोड़ गया। तो अब इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सबको एक साथ जोड़ दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सबको फिर एक साथ जोड़ते हैं। देखिए सब कुछ सिलेक्ट हो गया। सॉरी यार। ठीक है दोस्त, तो वर्ड में लिखने के लिए एक जगह क्लियर कर लेता हूँ, मैरिज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 3 कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। हो सकता है अब लोगों को दिखाई ना दे ठीक से, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, सेल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्त, अभी ये न्यूमेरिक कैसे होगा, तो इसके लिए पहले यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन करके क्या फ़ायदा। अगर सबको मतलब, तो जितना यहाँ पे न्यूमेरिक वर्ड है 1 2 3 करके सबको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो अभी का ज़माना ऐसा है, इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है। तो चलिए इंटरनेट से न्यूमेरिक का फॉर्मूला डाउनलोड करते हैं। चलिए गूगल पे। तो हाउ टू न्यूमेरिक व्हाट इन एक्सेल, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। पहले जो आया है हाउ टू कन्वर्ट ये न्यूमेरिक वैल्यू
इनटू इंग्लिश, वर्ड इन इंग्लिश एक्सेल में है, इसको देख लेते हैं पहले। चलिए नीचे आ गया, ठीक है दोस्त, ये देखिए आ गया सबका, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेते। तो डाउनलोड करने से पहले, इसको कॉपी करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्त, ये देखिए किस में है, आपको किस में चाहिए, कौन सा करेंसी में चाहिए, इंडियन रुपीस में चाहिए या फिर डॉलर में चाहिए। तो ये देखिए दोस्त, ये डॉलर में है तो ये रुपीस में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना डॉलर है सबको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर बैक चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल के बाद रुपीस, व्हाट इन, ये देखिए रुपीस, इसको मारते हैं। तो चलिए नीचे दिया है, ये देखिए रुपीस इन व्हाट, तो इसको ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों आ गया है रुपीस, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी, तो एक्सेल फाइल में एक नया शीट ले लेते हैं जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए फिर से एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। एक्सेल फाइल में तो अभी ये जो हमने कॉपी की है इसको हमें एक्सेल में लाना है। तो कैसे लाना है, तो अभी आपका कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F11 दबाइए, एक नया शीट आ गया देखिए, ठीक है ना दोस्त। तो ये वर्कशीट में आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में जाना है, और मॉड्यूल के भीतर जो शीट ओपन हुआ है ना वर्कशीट, उसमें आपको वो जो कॉपी किए थे आप नेट से उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल भी। तो ये देखिए या फिर जो दे रहा है एक्सप्लेन, आपको यही एक्सप्लेन डालना पड़ेगा वहाँ पे जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसके बाद चलते फाइल में, फाइल में ये देखिए सेव न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी करिए, हमने नो किए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी और एक चीज़ है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, RUPIS रुपीस। ये जो एक्सेल वर्क बुक, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जो सेव करेंगे, इसको आप एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्क बुक में आपको सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया, यस। तो चलिए दोस्तों इसको क्लोज कर देते हैं, ये शीट को भी क्लोज कर देते हैं। चलिए तो आ गया मेरा शीट, अभी इसमें इज इक्वल टू, अभी डालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एक्सप्लेन, यस
पी, ये देखिए आ गया एक्सप्लेन नंबर। ठीक है दोस्त, एक्सप्लेन नंबर डबल क्लिक। तो आपको जो न्यूमेरिक को आपको वर्ड में बदलना है उसको सिलेक्ट करिए, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्लोज कर दीजिए, एंटर। देखिए आ गया दोस्त वर्ड में, ठीक है ना। दूसरा बार चेक कर लेते हैं, दूसरा कुछ इनटू ब्रोथ इज इक्वल टू एस पी। देखिए एक्सप्लेन आ गया, ठीक है ना। इसको डबल क्लिक करते हैं, फिर हमको 254 में ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर। देखिए ₹205 का आ गया, 254 ओनली। ठीक है दोस्त, तो ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, ठीक है ना, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक चीज़, मैं न्यू यूज़र हूँ तो इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल फायर पे आपको स्वागत है। मुझे और मेरी चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो हाउ टू न्यूमेरिक वर्ड इन एक्सेल, ठीक है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। पहले जो आया है हाउ टू कन्वर्ट ए न्यूमेरिक वैल्यू इनटू इंग्लिश वर्ड इन इंग्लिश, एक्सेल में है, इसको देख लेते हैं पहले। चलिए नीचे आ गया, ठीक है दोस्त, ये देखिए आ गया सबका, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले, इसको कॉपी करने से पहले एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्त, ये देखिए किस में है, आपको किस में चाहिए, कौन सा करेंसी में चाहिए, इंडियन रुपीस में चाहिए या फिर डॉलर में चाहिए। तो ये देखिए दोस्त, ये डॉलर में है तो ये रुपीस में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना डॉलर है सबको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर बैक चलते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेल के बाद रुपीस व्हाट इन, ये देखिए रुपीस, इसको मारते हैं। तो चलिए नीचे दिया है, ये देखिए रुपीस इन व्हाट। तो इसको ओपन करते हैं, चलिए दोस्तों आ गया है रुपीस। तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। तो एक्सेल फाइल में एक नया शीट ले लेते हैं जो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, इसमें रख लेते हैं, ठीक है दोस्त। तो चलिए फिर से एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। एक्सेल फाइल में
तो अभी ये जो हमने कॉपी की है, इसको हमें एक्सेल में लाना है। तो कैसे लाना है? तो अभी आपका कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F11 दबाइए। एक नया शीट आ गया, देखिए, ठीक है ना दोस्त? तो ये वर्कशीट में आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में जाना है, और मॉड्यूल के भीतर जो शीट ओपन हुआ है ना, वर्कशीट, उसमें आपको वो जो कॉपी किए थे आप नेट से, उसको पेस्ट करना है, कंट्रोल भी। तो ये देखिए, ये फिर जो दे रहा है एक्सप्लेन, आपको यही एक्सप्लेन डालना पड़ेगा वहाँ पे जब आप फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इसके बाद चलते फाइल में, फाइल में ये देखिए, सेव न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसमें क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ भी करिए, हमने नो किया है। ठीक है फ्रेंड्स? तो अभी और एक चीज़ है, यहाँ पे आप नाम कुछ भी डाल सकते हैं, RUPIS, रुपीस। ये जो एक्सेल वर्क बुक, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जो सेव करेंगे, इसको आप एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक में आपको सेव करना पड़ेगा। सेव कर दिया, यस। तो चलिए दोस्तों, इसको क्लोज कर देते हैं, ये शीट को भी क्लोज कर देते हैं। चलिए, तो आ गया मेरा शीट। अभी इसमें इजिकल टू अभी डालना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? एक्सप्लेन, SP, ये देखिए आ गया एक्सप्लेन नंबर, ठीक है दोस्त? एक्सप्लेन नंबर डबल क्लिक। तो आपको जो न्यूमेरिक को आपको वर्ड में बदलना है, उसको सिलेक्ट करिए। हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्लोज कर दीजिए, एंटर। देखिए आ गया दोस्त वर्ड में, ठीक है ना?